हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि गणित कैसे सीखा जाए या गणित की शुरुआत कहां से की जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास में कमेंट करते हैं कि सर गणित हमें समझ नहीं आ रहा है, इसकी शुरुआत हम कहां से करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेसिक गणित के 12 ऐसे टॉपिक लेकर आया हूं जिनको यदि आप समझ लेते हैं तो आपकी आगे की जितनी भी गणित है ना वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी और आप कभी भी गलतियां नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो 12 टॉपिक मैं आपको बताने वाला हूं ये पूरे बेसिक टॉपिक हैं और यदि आपको ये समझ आ गए तो आगे की गणित जो है आपको बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम जोड़ घटाना गुणा भाग सीखेंगे, फिर इसके बाद में समीकरण एलसीएम एचसीएफ भिन्न और बोर्डमास को सीखेंगे, फिर इसके बाद में प्रतिशत वर्गमूल गुणनखंड और दशमलव, इन सभी टॉपिक्स को भी हम सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक है हमारा जोड़ घटाव गुणा और भाग, ठीक है। तो यहां पर इसको हटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास में यहां पर एक जोड़ का सवाल है, एक घटाना का है, एक गुणा का है और एक भाग का है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सारी चीजें भी नहीं आती, तो हमें सभी स्टूडेंट्स को लेकर चलना है ताकि कोई भी स्टूडेंट यहां पर कमजोर ना रहे, ठीक है। तो हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, इसलिए हम इन चीजों को भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा यहां पर पहला सवाल है जिसमें हमें जोड़ करना है, तो 4, 5, 3, 2 इसमें हमें जोड़ना है 3, 1, 6 और 4 को, ठीक है। तो जोड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ही आसान तरीका है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखिए क्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन खींचेंगे, 1, 2, ठीक है। अब इसमें हमें कितना जोड़ना है, 4, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 4 लाइनें और खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब सभी लाइनों को हमें क्या करना है, एक साथ गिन लेना है, चलिए गिनते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना हो गया, 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 6, ठीक है। चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब इसके बाद में आ जाते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर कितना है, 3, तो अब हम क्या करेंगे, 3 लाइनें खींचेंगे, तो खींचते हैं, देखो 1, 2, 3, अब यहां पर कितना है, 6, तो 6 लाइनें और खींचना पड़ेंगी, तो चलिए खींचते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब सभी लाइनों को एक साथ क्या करेंगे, गिन लेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना हो गया, 9, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो यहां पर कितना है, 5, तो 5 लाइनें खींचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। अब इसके बाद में हमें इसमें जोड़ना कितना है, 1 जोड़ना है, तो यहां पर 1 लाइन और खींचेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इनको गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना हो गया, 6, तो यहां पर हम लिखेंगे 6, ठीक। चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, तो यहां पर कितना है, 4, तो 4 लाइनें खींचो, 1, 2, 3, 4, अब इसमें हमें जोड़ना कितना है, 3, तो 3 लाइनें और खींचो, तो 1, 2, 3, ठीक है। अब सभी लाइनों को हमें क्या करना है, एक साथ गिन लेना है, चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितना हो गया, 7, तो यहां पर हम लिख देंगे 7, और ये जो संख्या आई है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम किसी भी जोड़ के सवाल को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारे सामने एक घटाना का सवाल, ठीक है। अब यहां पर 8, 9, 5, 3 में से हमें 2, 8, 4 और 1 को घटाना है, तो घटाने का तरीका भी सेम है, अगर आपको जोड़ आ गया तो घटाना भी आपको बहुत आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम घटाना करते हैं। तो यहां पर देखिए 3 में से हमें 1 को घटाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 लाइनें खींचेंगे, तो चलिए खींचते हैं, 1, 2, 3, ठीक है। अब इसमें से हमें कितना घटाना है, 1, तो 1 लाइन को हम क्या करेंगे, यहां से काट देंगे, ठीक है। अब कितनी लाइनें बची हैं, उनको हमें गिनना है, तो कितनी बची, 1, 2, 2 बची, तो यहां पर हम लिख देंगे 2, ठीक है। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब इसके बाद में देखो हमें इसमें से इसको घटाना है, तो यहां पर कितना है, 5, तो 5 लाइनें खींचो, 1, 2, 3, 4, 5 घटाना कितना है, 4, तो 4 लाइनों को क्या करेंगे, काट देंगे, तो चलिए काटते हैं, 1, 2, 3, 4 लाइनें हमने काट दी, कितना बचा, 1 बचा, तो यहां पर हम लिखेंगे 1, ठीक है।
चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं। अब इसके बाद में देखिए 9 में से हमें 8 को घटाना है, ठीक है, तो 9 लाइनें खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसमें से हमें घटाना कितना है 8, तो 8 लाइनें हमें खींचना होंगी, 8 लाइनें हमें काटना होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें हमने काट दी, कितना बचा 1, तो यहां पर हम लिख देंगे 1, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में हमें क्या करना है, 8 में से 2 को घटाना है, तो 8 लाइनें खींच लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब 2 घटाना है तो 2 लाइनों को क्या करना होगा, काटना होगा, तो चलिए काट देते हैं 1 2, अब कितने बचे इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 6 बचे, तो यहां पर हम लिख देंगे 6, और यही जो संख्या आई हुई है यही हमारा क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये जो संख्या है यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। चलिए अब हम सीखेंगे गुणा और भाग करना, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। गुणा और भाग का सवाल आपको दिख रहा है, अब हम इनको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। तो गुणा करने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़ याद होना चाहिए। अगर आपको 2 से लेकर 10 तक पहाड़ याद नहीं होंगे तो फिर आप इनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पहली कंडीशन यही है कि आपको 2 से 10 तक पहाड़ याद होना चाहिए, तभी आप गुणा और भाग को कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें यहां पर करना क्या होता है, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 32, ठीक है, तो सबसे पहले ये जो 2 है ना, इसका गुणा हम सभी के साथ करेंगे, 2 का हो जाएगा, तो फिर हम 3 का गुणा भी इन सभी के साथ कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम 2 का गुणा 1 में करते हैं, तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़िए, 2 एकम 2, कितना आया 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। अब 1 में हो गया, अब 2 का गुणा 2 में करेंगे, मतलब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, कितना आया 4, तो यहां पर हम लिखेंगे 4, ठीक है। अब यहां पर 2 का हमें पढ़ना है 4 बार, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8, तो 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा, कितना आया 8, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद में हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना है 9 बार, तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18, तो कितना आ गया 18, तो यहां पर हम लिख देंगे 18, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक संख्या का हम सभी में कर चुके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक संख्या के नीचे क्रॉस लगा देंगे, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब दूसरी संख्या का गुणा करते हैं इसमें, तो सबसे पहले 3 का 1 में होगा, तो 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, कितना आएगा 3 एकम 3 3 ही आएगा, तो हमने लिख दिया 3। अब 3 का 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहां पर हम लिख देंगे 6, ठीक है। अब 3 का 4 में होगा, तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12, तो 12 हम कैसे लिखते हैं ऐसे, तो 12 का जो 2 है ना वो तो आ जाएगा यहां पर, और जो 1 है, ठीक है, ये जो 1 है ना ये हमारा चला जाएगा हासिल यहां पर, ठीक है। चलिए अब हमें 3 का पढ़ना है 9 बार, तो चलिए पढ़ते हैं, 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27, ठीक है। तो 3 नाम 27 हो गया, और 1 हासिल वाला कितना हो गया 28, तो यहां पर हम लिख देंगे 28, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सभी को जोड़ लेना है, ठीक है, ये जो संख्याएं आई हुई हैं इन सभी को हमें जोड़ लेना है। तो यहां पर देखिए 2 है, तो ये आ गया हमारा 2। अब यहां पर देखिए 4 और 3 हो जाएंगे हमारे कितने 7, ठीक है, 8 और 6 हो जाएंगे 14, तो 14 की आएगी 4, हासिल आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, तो 11 की आ जाएगी 1, हासिल फिर से 1 आ जाएगा, तो 8 और 1 9 और 1 हासिल वाला 10, तो 10 की आ जाएगी 0, हासिल आ जाएगा 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 3, और ये जो संख्या आई हुई है यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हम भाग के सवाल को हल करना सीखते हैं, जो कि आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। 2 से हमें इस नंबर में भाग लगाना है, तो मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आपको 2 से 10 तक के पहाड़े याद होना चाहिए, ठीक है, तो 2 का पहाड़ा आपको याद होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें चेक करना है क्या 2 से इस पहले नंबर में भाग जा सकता है, जा सकता है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है, मतलब भाग तो चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं 2 का पहाड़ा, अब हमें 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि या तो 4 आए या 4 से कम आए, 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं, 2 एकम 2 2 दूनी 4, 2 बार में आ जाता है, तो यहां पर हम लिखेंगे कितना 2, ठीक है। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर कितना आया 4, तो यहां पर लिखेंगे 4। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, तो 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसका अगला नंबर क्या है 9, तो 9 को हम उतारेंगे यहां पर, ठीक है, समझ में आया। बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूजन होता है कि अब इसके बाद में क्या करें, तो उसके बाद में हमें अगला नंबर उतार लेना है, ठीक है।
अब फिर से हमें वही करना है कि दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो नौ आ जाए या नौ से कम आए, लेकिन नौ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौके आठ, दो पंजे दस। तो दस तो ज्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार पढ़ेंगे, दो चौके आठ। तो दो का पहाड़ा हमने पढ़ा चार बार, तो कितना आया, दो चौके आठ, तो ये हो गया हमारा आठ। अब इसको क्या करिए, घटाइए, नौ में से आठ जाएगा, कितना बचेगा, एक। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद में देखिए इसका अगला नंबर उतारेंगे, यहां तक उतार लिया था, अब इसका अगला नंबर कितना है, चार, तो चार को हमने उतारा यहां पर। अब दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि या तो चौदह आए या चौदह से कम आए, चौदह से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौके आठ, दो पंच दस, दो छिंग बारह, दो सत्ते चौदह। दो का पहाड़ा सात बार पढ़ने पर कितना आ रहा है, चौदह। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया चौदह। ठीक है, दो का पहाड़ा सात बार पढ़ने पर चौदह आया, तो चौदह हमने यहां पर लिखा। चौदह में चौदह जाएंगे क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। अब इसके बाद में क्या है, आठ, तो अब हम आठ को उतारेंगे। अब दो का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि आठ आ जाए, तो चलिए पढ़ते हैं, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तीन छह, दो चौके आठ। दो का पहाड़ा चार बार पढ़ने पर आ जाता है आठ, तो ये हमने लिखा चार और यहां पर आ जाएगा आठ। अब इसको घटा लीजिए, आठ में से आठ जाएगा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से हम जोड़ घटाना गुणा और भाग के सवालों को हल करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये चारों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमें आगे क्या सीखना है। तो आगे है हमारे सामने समीकरण। ठीक है, ये जो समीकरण है ना भाई साहब, इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, लोगों को समझ ही नहीं आता कि समीकरण को कैसे हल करना है। ठीक है, तो यहां पर हम समीकरण को सीखेंगे। जैसे कि हमारा पहला समीकरण है 8 माइनस 3x बटे 2 बराबर 5। ठीक है, जब भी हम समीकरण को हल करते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, ज्यादातर पक्षांतर करना होता है। यानी कि देखिए, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूं 2x अपॉन 5 बराबर 3। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, संख्या को इधर उधर ले जाना होता है। तो जैसे ही हम किसी भी भाग वाली संख्या को, ठीक है, ये इसके भाग में है, यानी भाग वाली संख्या को जब भी हम इस तरफ ले जाएंगे तो यहां पर वो आएगी गुणा में। ठीक है, अगर कोई भी गुणा वाली संख्या को इस तरफ ले जाएंगे तो वो आ जाएगी भाग में। ठीक है, समझ में आ रहा है, मतलब चिन्ह क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है अगर हम बराबर के इस तरफ या उस तरफ कोई भी संख्या को ले जाते हैं। ठीक है, चलिए समीकरण को हल करके ही हम समझ लेते हैं। तो पहला समीकरण है हमारा 8 माइनस 3x बटे 2 बराबर 5। ठीक है, अब इसमें देखिए हमें क्या करना होता है, x x वाली संख्याओं को एक तरफ, बगैर x वाली संख्याओं को एक तरफ हमें करना होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो देखिए इसके बटे में क्या है, 2 है, मतलब इसके भाग में 2 है। यदि हम इस 2 को उस तरफ भेजेंगे तो यहां पर भाग में है, तो उस तरफ काय में आ जाएगा, ये गुणा में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उस तरफ भेज देते हैं, तो ये तो हो गया हमारा 8 माइनस 3x, ठीक है, और बराबर 5, और 2 को उस तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा यहां पर गुणा में। ठीक है, समझ में आया, यहां पर भाग में था, यहां पर जाकर गुणा में हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए 8 माइनस 3x बराबर 5 दुनी हो जाएगा हमारा कितना, 10। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहां पर हमें x वाली संख्या को रखना है, बगैर x वाली संख्या को उस तरफ हमें भेज देना है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 3x को यहीं पर रहने देते हैं, तो ये तो हो गया हमारा माइनस का 3x बराबर यहां पर है 10। अब ये जो 8 है ना, ये है प्लस का, इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का, तो इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 8। ठीक, समझ में आया। अब क्या करना है, 10 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे, 2 बचेंगे। ठीक है, समझ में आया, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो 2 बचेंगे। अब यहां पर देखिए 3 इसके साथ में क्या है, गुणा में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3x। ठीक है, अब यहां पर हमें सिर्फ x को रखना है, बाकी संख्या को उस तरफ भेज देना है। तो x और 3 क्या है, ये आपस में गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, x को रख लेंगे यहां पर बराबर, यहां पर कितना है, 2 है। ठीक है, ये इसके गुणा में है, इस तरफ भेजेंगे तो ये काय में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, मतलब ये आ जाएगा हमारा बटे में 3। इसके साथ में माइनस भी है, तो यहां पर आ जाएगा माइनस, और हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा यही। ठीक है, समझ में आया, आंसर क्या आ गया है हमारा, x बराबर 2 बटे माइनस 3। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से समीकरण को हल करते हैं। ठीक, चलिए दूसरे समीकरण को देखते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं। दूसरा समीकरण हमारा है 5x, 5 बटे x बराबर 6। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, क्या है, 5 बटे x बराबर माइनस का 6। ठीक, तो हमें क्या करना है भाई, x वाली संख्या को एक तरफ रखना है, बगैर x वाली संख्या को अलग कर देना है। ठीक है,
तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो ये इसके बटे में है, तो हमें बटे में से हटाकर इसको बराबर में ले जाना है, ठीक है। तो ये देखिए भाई पांच बराबर, ये यहां पर भाग में है, इस तरफ जाएगी तो गुणा में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस का छह और एक्स का गुणा इसमें हो जाएगा तो छह एक्स हो जाएगा, ठीक। चलिए अब देखिए ये हो गया हमारा पांच बराबर माइनस का छह एक्स, ठीक है। अब ये देखिए छह और एक्स क्या है, गुणा में है, तो हम क्या करेंगे एक्स को यहां पर रहने देते हैं, छह को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा पांच बटे ये छह जो है माइनस का है, तो माइनस का छह बराबर आ जाएगा एक्स। तो देखिए x की वैल्यू आ गई और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया पांच बटे माइनस का छह, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं और अगले सवाल को हल करते हैं, ठीक। चलिए तो अगला सवाल हमारा क्या है, पांच माइनस नाइन एक्स अपॉन सिक्स बराबर दो, ठीक। तो यहां पर भी हमें क्या करना है, x को एक तरफ करना है, बाकी संख्याओं को एक तरफ करना है, ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहले तो 6 यहां पर भाग में है, तो इस तरफ भेजेंगे तो ये गुणा में हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 5 माइनस का 9x बराबर, इन दोनों का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 6 दुनी 12 और ये माइनस है तो साथ में माइनस भी आएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आया। चलिए अब सिर्फ x वाली संख्या को हमें यहां पर रहने देना है, बाकी संख्या को उस तरफ भेज देना है, ठीक है। तो माइनस का 9x तो यहीं पर रहेगा, बराबर यहां पर क्या है माइनस का 12, और ये जो 5 है ये क्या है प्लस का है, इसको हम उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ठीक। तो ये हो गया माइनस का 9x बराबर 12 और 5 कितने हो जाएंगे 17, तो ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 17, ठीक है। अब देखो माइनस यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बचेंगे हमारे 9x बराबर 17 यानी 17, ठीक है। अब देखिए ये 9 जो है इसके साथ गुणा में है, तो x को रहने देते हैं यहां पर, और यहां पर क्या है 17 और 9 यहां पर गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो ये भाग में आ जाएगा 17/9 और यही हमारा आंसर हो जाएगा 17/9, ठीक है। तो समझ में आया हमने समीकरण के सवालों को किस प्रकार से हल किया है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में एक और सवाल है, इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। क्या है 11/4x + 9 = 3, इसको भी हल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 11/4x + 9 = 3, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले x वाली संख्या को यहीं पर रहने देते हैं, बाकी संख्याओं को उस तरफ भेजते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 11/4x बराबर, ये तो है 3, तो यहां पर 3 ही रहेगा, यहां पर 9 क्या है प्लस का है, उस तरफ भेजेंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 9, ठीक है, समझ में आया भाई। यहां पर ये 9 प्लस में था, हमने उस तरफ भेज दिया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर है 11/4x = 9, में से 3 को घटा दो कितने बचेंगे 6 बचेंगे, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो यहां पर आएगा माइनस, ठीक है, 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे लेकिन माइनस के, ठीक है। अब देखिए ये 11 के बटे में है 4x, तो यहां पर भाग में है, इस तरफ भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो ये 11 हमारा रहेगा यहां पर ही, ठीक है, बराबर ये हो गया माइनस का 6 और 4x यहां पर क्या है ये भाग में है, इस तरफ जाएगा तो गुणा में आ जाएगा 4x, ठीक। तो ये हो गया हमारा 11 बराबर, इन दोनों का गुणा कर लो तो 4 छिंग हो जाएगा 24, ठीक है, तो माइनस का 24x, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए 24 और x दोनों क्या है गुणा में है, तो हम x को यहीं पर रहने देते हैं, 24 को नीचे ले आते हैं, तो 11/ क्या आ जाएगा माइनस का 24, ठीक है, ये यहां पर बटे में आ गया और बराबर में क्या बचा हमारा x, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है 11/-24 = x, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं और हमारा अगला कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या है LCM और HCF। अब हम LCM और HCF निकालना सीखेंगे, क्योंकि जब भी आप भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा भाग, ये सारी चीजें करते हैं, तो वहां पर हमें LCM और HCF समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए LCM HCF को समझ लेते हैं। तो पहला सवाल है 16, 24 और 40, इन तीनों का हमें क्या करना है LCM निकालना है, ठीक है। तो चलिए LCM निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे और एक लाइन खींचेंगे इस प्रकार से, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब हमें क्या करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड करना है, मतलब कि अभाज्य संख्याओं से इनमें भाग लगाना है। जैसे कि सबसे पहले छोटी संख्या क्या है 2 है, 2 के बाद में 3 से लगाएंगे, 3 से नहीं जाएगा तो फिर हम 5 से लगाएंगे, 5 से नहीं जाएगा तो 7 से लगाएंगे, ठीक है, मतलब अभाज्य संख्याओं से लगाना है। तो 2 से लगाते हैं सबसे पहले, तो 2 8 16, ठीक है, 24 है,
तो दो एक दो और यहां पर चार है तो दो दुनी चार, अब यहां पर चालीस है तो दो दुनी चार और जीरो, ठीक। चलिए अब इसके बाद में फिर से हम दो से ही लगाते हैं, दो चौके आठ, दो छिंग बारह और दो धाम के बीस, ठीक। चलिए फिर से दो से लगाते हैं, दो दुनी चार, दो तिया छः, दो पंजे दस, ठीक है। अब फिर से दो से लगाते हैं, दो एकम दो, तीन में नहीं जाएगा तीन को ऐसे ही छोड़ दो, पांच में नहीं जाएगा पांच को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद में तीन से लगा देते हैं, एक का एक, तीन एकम तीन और पांच का पांच, ठीक है। अब फिर से पांच से लगा देते हैं, एक का एक, एक का एक और पांच एकम पांच, ठीक है। चलिए अब ये जो संख्याएं आई हुई है ना, इनका हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे और वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, ठीक है। तो हम यहां पर निकालते हैं एलसीएम बराबर, ठीक है, ये जितनी भी संख्या है सभी को हमें गुणा करना है। दो कितनी बार है, डायरेक्ट हम गुणा कर लेते हैं, देखिए दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह तिया अड़तालीस, ठीक है। तो कितना हो गया, अड़तालीस गुणा यहां पर कितना है पांच, तो यहां पर हम कर देते हैं पांच, तो पांच अट्ठे चालीस की जीरो हासिला जाएगा चार, ठीक है। इसके बाद में पांच चौको बीस और चार चौबीस, कितना हो गया 240, यानी हमारे पहले सवाल का आंसर आ गया है 240, मतलब इन संख्याओं को जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 240 होगा, ठीक है। चलिए अब इसको यहां से हम हटा देते हैं और अब हम करेंगे हमारे दूसरे सवाल को, यानी दूसरे सवाल का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल है हमारा 7296 और 120 यानी 120, ठीक। एक लाइन ऐसे खींचना है, एक लाइन ऐसे खींचना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले दो से लगाते हैं, तो यहां पर सात है तो दो तीन छह, एक बचेगा यहां पर हो जाएंगे बारह, दो छिंग बारह, यहां पर दो चौके आठ, नौ है तो एक बचेगा यहां पर हो जाएंगे सोलह, तो दो अट्ठे सोलह, यहां पर दो छिंग बारह और जीरो, ठीक। चलिए अब फिर से हम दो से ही लगाएंगे, दो एकम दो, तीन थे तो एक बचेगा, दो अट्ठे सोलह, ठीक है, दो दुनी चार, दो चौके आठ, दो तीन छह और जीरो, ठीक। चलिए अब फिर से हम दो से लगाएंगे, दो नाम अठारह, इसके बाद में दो एकम दो, दो दुनी चार, दो एकम दो, एक बचेगा, दो पंजे दस, ठीक। अब देखिए फिर से दो से लगा देते हैं, नौ में नहीं जाएगा, दो छिंग बारह, ठीक है, यहां पर पंद्रह के पंद्रह ही आ जाएंगे, ठीक। इसके बाद में फिर से दो से लगाएंगे, नौ का नौ ही रहेगा, दो तीन छह, इसके बाद में पंद्रह का पंद्रह, ठीक है। अब दो से नहीं जाएगा, आप तीन से लगाते हैं, तीन तिरका नौ, तीन एकम तीन, ती पांच है पंद्रह, ठीक। अब फिर से हम तीन से ही लगाते हैं, तीन एकम तीन, एक का एक और पांच का पांच। अब पांच से लगा देते हैं, एक का एक, एक का एक और इसके बाद में पांच एकम पांच, ठीक है। तो नीचे एक एक आ गया, इसका मतलब अब हमें आगे इसको हल नहीं करना है, ठीक है। नीचे एक एक आ गया मतलब आगे हल नहीं करना है। अब हमारे पास में ये जो संख्याएं आई हैं इनका हम गुणा कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए इनका गुणा करते हैं, तो दो दुनी चार, चार दुनी आठ, आठ दुनी सोलह, सोलह दुनी बत्तीस, ठीक है। और यहां पर हम लिख देते हैं डायरेक्टली बत्तीस गुणा तीन तिरका नौ, नौ पन्ने पैंतालीस, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा हमारा पैंतालीस, तो बत्तीस और पैंतालीस का हम गुणा कर लेते हैं, पांच दुनी दस की जीरो हासिल एक, पांच तीन पंद्रह और एक सोलह, तो ये हो गया 160। अब इसके बाद में चार से कर लेते हैं, चार दुनी आठ और चार तीन बारह, ये हो गया हमारा 128। अब इनको जोड़ लीजिए, ये हो गया जीरो, आठ और छह चौदह की चार हासिल आ जाएगी एक, दो और एक तीन और एक चार, तो ये हो गया चार और ये हमारा यहाँ पर एक कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 1440, ठीक है। जीरो की जीरो, आठ और छह चौदह की चार, ठीक है, हासिल एक, दो और एक तीन और एक चार, तो ये हो गया चार और ये एक, ठीक है। तो ये हो गया 1440 हमारा क्या आंसर, ठीक है, समझ में आया। तो हमने दो एलसीएम के सवाल कर लिए हैं, अब जो तीसरा वाला सवाल है इसमें हम सीखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको यहां से हटा देते हैं और अब हम सीखेंगे कि एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक। चलिए इसको यहां से हटा देते हैं, ठीक है, अब हम सीखेंगे एचसीएफ को। तो हमारा सवाल है, देखिए हमें 84 और 144 इन दोनों का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। ये सवाल एक ही है, अभी हम क्या कर रहे थे, तीनों संख्याओं को एक साथ लिखकर हम क्या निकाल रहे थे, एलसीएम निकाल रहे थे। जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है, अलग अलग गुणनखंड करने होते हैं, यानी 84 के अलग करेंगे और यहां पर 144 के अलग करेंगे। तो चलिए दो से करते हैं, दो चौके आठ, दो दुनी चार, फिर दो से करते हैं, दो दुनी चार, दो एकम दो, अब ये दो से नहीं जाएगा, तीन से, तीन सात इक्कीस, ठीक है। अब सात से, सात एकम सात, ठीक है, नीचे एक आ गया, इसका मतलब अब हमें आगे हल नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो अब इसके बाद में देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसको भी दो से करते हैं, तो दो सत्ते चौदह, ठीक है, और दो दुनी चार, ठीक। अब इसके बाद में हम करेंगे यहां पर दो से, दो तीन छह, एक बचेगा, दो छिंग बारह,
ठीक, फिर दो से करेंगे तो दो एकम दो, दो अट्ठे सोलह, ठीक है, फिर दो से करेंगे दो नाम अठारह, फिर तीन से करेंगे तीन तिरका नौ, फिर तीन से करेंगे तीन एकम तीन, ठीक है, समझ में आया। देखिए सबसे पहले हम दो से किया, दो सत्य चौदह, फिर चार है, दो दूनी चार, इसी प्रकार से हम करते हुए आए। अब हमें क्या करना है, चौरासी के जो जो गुणनखंड है उनको लिख लेना है, क्या क्या है, दो दो तीन सात, तो ये हो जाएगा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा सात, ये हमने लिख लिए। अब इसके बाद में 144 के भी लिख लेते हैं क्या क्या है, तो 144 के गुणनखंड देखिए क्या क्या है, दो 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 दो, तो ये आ जाएगा हमारा दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो, ठीक है। इसके बाद में क्या है, तीन तीन, तो ये आ जाएगा गुणा तीन और गुणा तीन, ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से, हमें दो दो के जोड़े बनाना है, यानी ये हमारा जोड़ा बन गया एक, ठीक है, दोनों में एक साथ जोड़ा बनाना है। इसके बाद में ये हमारा एक और जोड़ा बन गया है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए ये तीन यहां पर भी है और एक तीन यहां पर भी है, ठीक है, मतलब ये देखिए एक जोड़ा बन गया हमारा दो का, ये वाला भी एक जोड़ा बन गया, ठीक है, यहां पर तीन का भी हमारा एक जोड़ा बन गया। अब देखिए सात यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है, तो सात को नहीं लेंगे, ठीक है, तीन यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे, दो यहां पर है लेकिन यहां पर नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे, मतलब हमें वही वही संख्या लेनी है जिसका जोड़ा बन गया, ठीक है। तो यहां पर दो दुनी चार, चार तीया बारह, तो क्या आ गया बारह, तो हमारा जो HCF है वो निकल करके आ गया है 12, ठीक है, समझ में आया। हमें दोनों के गुणनखंड को लिखना है, दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन चीज होगी उनका गुणा कर लेंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा देखिए भिन्न। तो सबसे पहले ये समझिए कि भिन्न आखिर में होता क्या है, भिन्न हम किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए जिन संख्याओं को हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, बटे के रूप में, जैसे कि दो बटा तीन, चार बटा सात, नौ बटा चौदह, ठीक है, तो ऐसी जो संख्याएं हैं इनको हम क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो हो गई हमारी भिन्न। अब भिन्न में दो पार्ट होते हैं, क्या क्या, जैसे कि दो बटे पांच, तो ऊपर वाली जो संख्या इसको हम बोलते हैं अंश, ठीक है, ऊपर हो गया हमारा अंश और नीचे हो गया हमारा क्या, हर, ठीक है। तो ये होती है हमारी भिन्न, जो आप समझ गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और संख्या होती, एक और चीज होती है भिन्न, होती है हमारी p बटे q के रूप में, ठीक है, p भी कोई संख्या, q भी कोई संख्या है, तो q जो है नीचे वाली जो संख्या है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकती, ठीक है, मतलब कि जो नीचे वाली संख्या है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और भिन्न का जोड़ घटाना गुणा और भाग को समझते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम भिन्न का जोड़ सीखते हैं। तो जब भी आपके सामने इस तरह का भिन्न का जोड़ आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली हमें क्या करना है, देखिए यहां पर दो बटे छह है और यहां पर चार बटे पांच है, तो जब भी ऐसा सवाल आए आपको क्या कर देना है, आपको सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, ठीक है। तो चलिए करते हैं, पांच दुनी हो जाएगा दस, तो ये हमने लिखा दस, ठीक है। इसके बाद में छह चौके हो जाएगा चौबीस, तो ये हमने लिखा चौबीस, ठीक है, और इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है, तो पांच छक्का हो जाएगा तीस, तो ये हो गया हमारा तीस, ठीक है, समझ में आया। इतना करने के बाद में क्या करना है, यहां पर है दस तो ये हो गया दस, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे, यहां पर है चौबीस तो ये हमने लिखा चौबीस, और बटे में यहां पर कितना है तीस, तो ये आ गया हमारा तीस, इन दोनों को हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चौबीस और दस कितने हो जाएंगे, चौंतीस, तो ये हो गया हमारा चौंतीस और बटे में है हमारा तीस, तो 34 बटे 30 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको काट भी सकते हैं, दो से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, मतलब कि ये आ जाएगा हमारा कितना 15 और ये आ जाएगा हमारा 17, ठीक है, तो 17 बटे 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हमने जोड़ सीख लिया, सेम इसी प्रकार से हम घटाना भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इसके साथ, तो चार दुनी हो जाएगा आठ, इसका इसके साथ, पांच दिया कितना हो जाएगा 15, तो ये हमने लिखा 15। अब इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, इन दोनों को तो कर दिया, अब इन दोनों को क्या करना है, हमें गुणा करना है, तो पांच चौके हो जाएगा 20, ठीक है। ऊपर क्या क्या है, आठ, बीच में माइनस है तो माइनस, यहां पर क्या है 15, तो 15 और बटे में कितना है 20, तो ये हो गया हमारा 20, ठीक है, समझ में आया। 15 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, लेकिन बचेगा काय का, माइनस का, ठीक है, तो ये हमारा बचेगा माइनस का 7 और बटे का 20, ठीक है। भाई माइनस की संख्या बड़ी है, तो 15 में से 8 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे और बटे में क्या है 20, तो 20 आ गया और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आप भिन्न का जोड़ और घटाना कर सकते हैं, ठीक।
चलिए अब हम करते हैं भिन्न का गुणा और भाग जो आपके सामने यहां पर दिया गया है। ठीक है, जब भी हम इस तरह के भिन्न के गुणा के सवाल को हल करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, अगर नीचे वाली किसी भी संख्या से ऊपर वाली कोई भी संख्या अगर कट रही है तो हम उसको क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई सबसे पहले यहां पर क्या है, तीन है तो तीन एकम तीन, यहां पर नौ है तो तीन से नौ कट जाएगा, तीन तिरका नौ। ठीक है, अब यहां पर आठ से सोलह भी कट सकता है तो आठ एकम आठ और आठ दुनी सोलह। अब जो जो बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया हमारा एक और बटे एक, यहां पर गुणा है तो गुणा, यहां पर है हमारा कितना तीन और बटे में है दो, तो ये आ गया हमारा दो। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं कट रहा तो सीधे सीधे गुणा कर दो, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। ठीक है, तो तीन एकम कितना हो जाएगा तीन और दो एकम कितना हो जाएगा दो, यानी तीन बटे दो हमारा क्या हो गया है, आंसर निकल करके आ गया है। ठीक है, अब अगर आप भिन्न का गुणा सीख गए हैं तो भिन्न का जो भाग है ना ये आपके बाएं हाथ का खेल है, तो चलिए इसको भी सीख लेते हैं। यहां पर क्या है भैया, चार बटे पांच है, इसमें हमें भाग लगाना है नौ बटे पच्चीस से। ठीक है, तो देखिए जो भाग होता है ना इसका उल्टा क्या होता है, गुणा होता है, तो हम क्या करेंगे यहां पर जो भाग है ना इसको गुणा में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको गुणा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, ये तो हो गया हमारा चार बटे पांच ऐसा का ऐसा, ये जो भाग है इसको हमने कर दिया गुणा। ठीक है, अब जब हमने चिन्ह को उल्टा कर दिया तो इसके सामने जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, यानी कि हमारा जो 9 है वो तो आ जाएगा नीचे और जो 25 है वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, मतलब संख्या भी हमारी क्या हो गई, उलट गई। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे हमने यहां पर क्या किया था, अब ये एक भिन्न का गुणा बन गया है तो अब भिन्न के गुणा की तरह इसको भी हल करना पड़ेगा, मतलब कि अब कोई संख्या कट रही है तो उसको काट देंगे, तो पांच एकम पांच और पांच पंजे पच्चीस। ठीक है, तो क्या क्या आ गया हमारा देखिएगा ध्यान से, यहां पर आ गया हमारा चार बटे एक। ठीक है, यहां पर चार और पांच तो कट गया तो एक आया, गुणा यहां पर कितना है पांच और बटे कितना है नौ। अब कुछ भी संख्या नहीं कट रही है तो सीधा सीधा गुणा करो, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, तो पांच चौके कितना हो जाएगा बीस, तो ये हमने लिखा बीस और नौ एकम कितना हो जाएगा नौ, तो ये हो गया हमारा नौ, तो बीस बटे नौ ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं बोर्ड मास रूल। ठीक है, अच्छा बोर्ड मास रूल किस काम में आता है, तो जैसे कि आप देखिए अगर एक ही सवाल में आपको बहुत सारे चिन्ह दे दिए जाएं, जैसे कि यहां पर है प्लस भी है गुणा भी है, यहां पर देखिए प्लस और जोड़ है, इसके बाद में यहां पर गुणा है और प्लस है, इसके बाद माइनस है और गुणा है, तो अगर एक ही सवाल में बहुत सारे चिन्ह आ जाते हैं तो वहां पर हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भैया पहले हमें जोड़ करना है या गुणा करना है या घटाना करना है या भाग करना है, तो वो सारी चीजें हमें बताता है बोर्ड मास। ठीक है, जैसे कि B का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना है, फिर ऑफ वाला गुणा हल करना है, फिर D मतलब हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। ठीक है, D मतलब यानी डिवीजन, यानी कि हमें क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, M का मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है, A का मतलब एडिशन यानी जोड़ करना है, S का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटाव करना है। ठीक है, तो समझ में आया, सबसे पहले अगर कोई भी सवाल होगा सबसे पहले हम उसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद में ऑफ वाला गुणा करेंगे, फिर डिवीजन यानी कि हम वहां पर भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो पहला सवाल है इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, दो दो प्लस तीन गुणा पांच। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले देखिए हमें ब्रैकेट करना चाहिए तो ब्रैकेट इसमें है नहीं, फिर ऑफ वाला गुणा करना चाहिए तो वो भी नहीं है, डिवीजन करना चाहिए तो डिवीजन भी इसमें नहीं है, फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, तो गुणा इसके बीच में है तो गुणा है यहां पर। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को हल कर लो, तो पांच दिया कितना हो जाएगा पंद्रह। ठीक है, और प्लस का यहां पर कितना है दो। ठीक है, अब गुणा हो गया, अब प्लस कर देंगे तो पंद्रह और दो कितने हो जाएंगे सत्रह, तो यहां पर हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा सत्रह आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसके बाद में हमारा अगला सवाल है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है देखिए ध्यान से, तीस माइनस पांच का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा तीस माइनस पांच का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है इसको ध्यान से समझिए, यहां पर तो है हमारा 30 माइनस 5 का स्क्वायर का मतलब है 5 गुणा 5। ठीक है, तो अब हमें देखिए सबसे पहले गुणा करना है फिर उसके बाद में घटाव करना होगा, तो गुणा है इन दोनों के बीच में तो 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, तो ये हो गया हमारा 25 माइनस यहां पर कितना है 30। ठीक है,
अब हम घटा लेंगे तो 30 में से 25 जाएंगे, कितना बचेगा हमारे, बचेंगे 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कितना आसान है। चलिए अब इसके बाद में हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, 5 × 2 + 6। तो बताइए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा और फिर जोड़, तो गुणा है इन दोनों के बीच में, तो 5 × 2 हो जाएगा कितना 10, और प्लस का है 6 तो ये आ जाएगा 6, तो 10 और 6 कितने हो जाएंगे 16, तो ये हमने लिखा 16, और यही 16 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको यहां से हटा देते हैं, और जो हमारा अगला सवाल है, ठीक है, इसको मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है, इसको मैं आपको करवा देता हूं, इसको आप घर पे करके देखिएगा। ठीक है, तो सवाल है हमारा देखिए, 5 + 3 का स्क्वायर और इसके बाद में गुणा 2। ठीक है, तो यहां पर तो हो गया भैया 5 + 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 × 3 और यहां पर गुणा 2। ठीक है, तो सबसे पहले गुणा फिर इसके बाद में जोड़, तो गुणा है इन तीनों के बीच में, तो सबसे पहले क्या करना होगा, गुणा करना होगा, तो ये तो हो जाएगा हमारा 5 + 3 * 9 = 18, तो ये हो गया हमारा 18। ठीक है, इनको जोड़ लो, 18 और 5 कितने हो जाएंगे 23, तो ये जो 23 है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो पांचवा सवाल है इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आया है गुणनखंड के सवाल, ये ऐसे सवाल है इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, तो इनको भी समझ लेते हैं। तो यहां पर क्या है, x² + 8x + 15 हमें क्या करना है, इस समीकरण के गुणनखंड करना है। ठीक है, तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं x² + 8x + 15। ठीक है, ये हमने यहां पर क्या कर दिया, लिख लिया है ध्यान से। ठीक, चलिए अब करेंगे क्या, देखो हमें क्या करना होता है, यहां पर x के साथ में अगर कोई संख्या होती है तो उसका गुणा हम करते हैं इसके साथ में। ठीक है, यहां पर कोई संख्या नहीं है तो अभी हम गुणा नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा स्टेप हमें क्या करना है, यहां पर जो संख्या है 15, हमें 15 के ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर आए 8 और गुणा करने पर आए 15। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम गुणा करते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं 15, तो 15 के गुणनखंड करिए, तो यहां पर सबसे पहले 3 से करेंगे, 3 × 5 = 15। ठीक है, फिर 5 से करेंगे, 5 × 5 = 5। ठीक है, तो देखिए 15 के हमने 2 टुकड़े कर लिए, 3 और 5, यदि हम 5 और 3 का गुणा करेंगे तो 5 × 3 आएगा 15, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, मतलब हमारा काम यहां से बन जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहां से हटा देते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा x² + यहां पर जो 8 है इसको हम लिख सकते हैं कितना 3 + 5, और यहां पर x है तो ये हो गया x और प्लस का 15। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया x² + ये जो x है इसका गुणा अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3x। ठीक है, इसके बाद में प्लस, ये हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, और प्लस यहां पर हो जाएगा हमारा 15। अब हमें क्या करना है, 2 के जोड़े बना देना, एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा। ठीक है, समझ में आया। तो अब हमारे जोड़े बन गए हैं, अब देखिए यहां से हम कोई चीज कॉमन ले सकते हैं, देखिए x यहां पर भी है, x यहां पर भी है। ठीक है, तो x तो हमारा कॉमन आ सकता है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। ठीक है, अब x यहां पर स्क्वायर था, मतलब x 2 बार था, तो यहां पर 1 बार x बच जाएगा, प्लस यहां पर x 1 ही बार था तो वो चला गया, यहां पर कितना बचेगा 3, तो ये हो गया हमारा 3। प्लस यहां से क्या कॉमन आ सकता है, देखिए यहां से 5 कॉमन आ सकता है, क्योंकि 5 यहां पर भी है और 5 × 3 = 15, 5 यहां पर भी है। ठीक है, तो यहां पर देखिए x बचेगा, प्लस 5 से 15 में भाग रहा है, कितनी बार जाएगा 5 × 3 = 15। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए इस पूरे में से हमें x + 3 यहां पर भी है, x + 3 यहां पर भी है, तो x + 3 भी कॉमन आ जाएगा, तो हमने x + 3 को ही कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो x + 3 हमने कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया, यहां पर क्या बचा, सिर्फ x बचा, तो ये बचा हमारा x। ठीक है, यहां से भी ये बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचा, प्लस का 5 बचा, तो ये हो गया प्लस का 5, और ये जो दो संख्याएं आई है यही हमारे क्या है, गुणनखंड यानी आंसर है। ठीक है, चलिए एक और हमारा दूसरा सवाल है इसको भी कर लेते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं और हमारा जो अगला सवाल है उसको हल करते हैं। ठीक, जो दूसरा सवाल है इसको भी हम हल कर लेते हैं, तो यहां पर देखिए क्या है, x² - 7x और + 18,
सॉरी यहां पर जो 18 है ना वो प्लस का नहीं है, वो काय का है, माइनस का है, ठीक है। तो हम यहां पर लगा देंगे माइनस का 18, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, इस 18 के ऐसे टुकड़े करना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आए, 7 आ जाए, और गुणा करने पर 18 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 9 × 2, तो 9 × 2 करते हैं तो 9 × 2 कितना आता है, 18 आता है। यदि 9 में से 2 को घटा दें तो कितना आता है भाई, 9 में से 2 को घटा देते हैं तो 7 आता है, मतलब इनसे हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब हमें क्या करना है, यहां पर है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, अब जो 7 है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9 − 2, और साथ में एक्स भी है तो एक्स और माइनस का 18, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब देखिए यहां पर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस को गुणा 9 में करिए तो ये हो जाएगा 9x, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 2x, तो ये हो गया 2x और माइनस का है 18, तो ये हो गया 18। अब क्या करना है, 2 के जोड़े बना लाना है, एक जोड़ा और ये दूसरा जोड़ा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो हमने यहां से x को कॉमन लिया, तो यहां पर x स्क्वायर है मतलब 2 बार है, तो यहां पर बचेगा सिर्फ x, ठीक है। यहां से x चला गया तो यहां पर क्या बचेगा, माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से हम प्लस का 2 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 कॉमन लिया है तो यहां पर क्या बचा, x बचा है, ठीक है, x बचा। अब इसके बाद में ध्यान से देखिएगा, 2 का भाग लगाएंगे 18 में, कितनी बार जाएगा, 2 × 18, तो ये है माइनस और 2 × 18 यानी 9 बार, ठीक है। अब इस पूरे में देखिए हमें क्या कॉमन आ रहा है, x − 9 यहां पर कॉमन है, दोनों में है तो इसको भी हम कॉमन ले सकते हैं, x − 9 हमने यहां पर ले लिया। अब x − 9 यहां पर आ गया तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। अब ये यहां पर कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचेगा, सिर्फ हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो ये 2 संख्याएं आई हैं, यही हमारे क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, तो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वर्गमूल। हमें क्या करना है, इन संख्याओं के वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो वर्गमूल क्या होता है, जैसे कि देखिए हमने 2 संख्याओं को लिखा 2 × 2, ठीक है, इन दोनों का गुणा करने के बाद में कितना आया, 4, ठीक है। तो 4 क्या है, ये जो 2 है ना, 2 का यदि हमने स्क्वायर किया तो हमारा कितना आया, 4, ठीक है। अब हमें 4 का वर्गमूल निकालकर 2 लाना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब हमने 4 को 2 बार गुणा किया तो 4 आया, ठीक है, 2 को 2 बार गुणा किया तो 4 आया। अब हमें 4 से वापस से 2 लाना है, उसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे वर्गमूल, यानी सबसे पहला सवाल है हमारा 81, तो 81 का हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से इनका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो भैया 81 लिख लेते हैं हम इस प्रकार से। अब इसमें भाग लगाइए, सबसे पहले 3 से भाग लगाते हैं, तो यहां पर देखिए 3 × 2 = 6, ठीक है। अब 8 है तो 2 बचेंगे, यहां पर कितने हो जाएंगे, 21, तो 30 आते 21, ठीक है। फिर 3 से 3 × 9 = 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 × 3 = 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 × 1 = 3, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है, देखो 2 के जोड़े बनाना है, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। अब इसमें से हम 1 3 बाहर निकालेंगे, इसमें से भी 1 3 बाहर निकालेंगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 3 × 3 = कितना हो जाएगा, 9, यानी 9 जो आया है वो हमारा इस 81 का क्या है, वर्गमूल है, ठीक है, समझ में आया। चलिए एक और सवाल करते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 144 का करते हैं, तो ये है हमारा 144, तो इसमें देखिए सबसे पहले हम 2 से भाग लगाएंगे, 2 × 7 = 14, यहां पर 4 है, 2 × 2 = 4, फिर 2 से लगाएंगे, यहां पर 7 है तो 2 × 3 = 6, ठीक है ना, 2 × 3 = 6, इसके बाद में 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 12, तो 2 × 6 = 12, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 × 1 = 2, 1 बचेगा तो यहां पर हो जाएंगे 16, 2 × 8 = 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 × 9 = 18, अब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से लगाएंगे, 3 × 3 = 9, अब 3 से लगाएंगे 3 × 1 = 3, ठीक है। अब क्या करना है, फिर से हमें 2 के जोड़े बनाना है, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई, एक जोड़ा बन गया, दूसरा जोड़ा बन गया, और यहां पर एक और जोड़ा बन गया। अब इसमें से 1 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, और इसमें से भी 1 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इन संख्याओं को गुणा कर लो, ठीक है, इनको गुणा करेंगे तो 2 × 4 = 4 = 12, तो कितना आया, 12, तो 12 जो है वो 144 का क्या है, 144 का वर्गमूल है 12, ठीक, समझ में आया। चलिए इसको हटा देते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को, यानी अगले सवाल को करते हैं, ठीक। तो अगला सवाल है हमारा 729, ठीक।
तो 729 को भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें भाग काय से जाएगा, दो से तो जाएगा नहीं, इसमें तीन से चला जाएगा। तो तीन से लगाते हैं तो तीन दुनी छः, सात थे तो एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 12, तो तीन चौके 12, यहाँ पर है नौ, तो तीन तिरका नौ, ठीक है। अब देखिए ये काय से जाएगा, चार तीन सात और दो नौ, फिर से तीन से चला जाएगा तो ती अट्ठे 24, ठीक है, और तीन एकम तीन, ठीक। फिर से तीन से लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए तीन दुनी छः और दो बचेंगे, ती सात 21, फिर से तीन नाम 27, फिर तीन से तीन तिरका नौ, फिर तीन से तीन एकम तीन, ठीक। अब क्या करना है, दो दो के जोड़े बनाना है, तो एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा और तीसरा जोड़ा, इसमें से एक तीन बाहर, इसमें से भी एक तीन बाहर और इसमें से भी एक तीन बाहर, इन तीनों को क्या कर लो, गुणा कर लो, तीन तिरका नौ, नौ दिया 27, तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 27। मतलब कि 729 का जो वर्गमूल है वो कितना है, 27 है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा प्रतिशत। अब हमें प्रतिशत निकालना सीखना है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा ध्यान से, 400 का 5%, ठीक है, इसी प्रकार के सवाल आते हैं और स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कि इसको करना कैसे होता है, ठीक। तो यहां पर देखिए सबसे पहले है हमारा 400 का 5%, ठीक। तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको एक बात ध्यान रखना है, जैसे कि सबसे पहले आपको लिख लेना है 400, जहां पर भी आपको का लिखा दिखाई दे वहां पर आपको कर देना है गुणा, ठीक। इसके बाद में यहां पर क्या है, 5%, तो सबसे पहले 5 लिख देना है गुणा, और जहां पर भी परसेंट दिखाई दे वहां पर आपको लिख देना है 1/100, बस इतना कर देंगे, बस आपका सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर 400 और 5 का हम गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले देखिए 0 की 0, 0 की 0 और 5 चौको 20, तो कितना हो गया 2000। अब यहां पर है गुणा कितना, 1/100, ठीक। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दी, कितना बचा, 20 बचा, और यही 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब 400 का 5% कितना होगा, 20 होगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको हटा देते हैं और एक और अगले सवाल को करते हैं। अब अगला सवाल हमारा है 950 का 10%, ठीक। कैसे निकालेंगे, सीधा सा फंडा है, सबसे पहले लिखेंगे 950, का के स्थान पर गुणा लगाएंगे, 10 है तो 10 लिखेंगे, इसके बाद में परसेंट इसके स्थान पर लिखेंगे 1/100, ठीक। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, दूसरी जीरो से दूसरी जीरो हमने काट दी, अब क्या क्या बचा हुआ है, यहां पर बचा हुआ है हमारा 95 मल्टीप्लाई, यहां पर बचा हुआ है 1 और इसके बाद में यहां पर 1, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ बचा है हमारा 95, 95 गुणा 1 में करेंगे तो भी वही आएगा, फिर इसके बाद में वही, यानी 95 जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब इसको फिर से हटा देते हैं और अगली स्टेप में चलते हैं। तो हमारा अगला सवाल है 15% क्या होगा, ठीक। तो चलिए भैया निकाल लेते हैं कि क्या होगा, तो सबसे पहले देखो 15 है तो 15 लिखेंगे, यहां पर परसेंट है मतलब कि 1/100 हमें लिखना है, ठीक है, यहां पर का है तो गुणा लिखना है, यहां पर हमारा 15 है तो 15, ठीक है, और परसेंट है तो 1/100 लिख लेना है, ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, देखो भैया ऊपर क्या है 15 15 है और नीचे क्या है 100 100 है, ठीक है, तो 15 × 15 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देखिए 15 × 75 की 5 हासिल आ जाएगा 7, और 15 × 15 और 7 कितने हो जाएंगे, 15 और 7 हो जाएंगे हमारे कितने, 22, ठीक है, तो ये हो गए हमारे 225, ठीक, और बटे में कितना है 100 × 100, मतलब कि हमारा बटे में आ जाएगा 10,000, ठीक। अब भाई 10,000 आ गया तो अब क्या करेंगे, जितनी जीरो है ना उतने अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगी, ठीक है, तो जीरो देखिए कितनी बार है, तो जीरो है हमारी 1 2 3 4, तो 4 अंक बाद दशमलव लगेगी, सबसे पहले 5 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 2 लिखो, 3 अंक तो हो गए, अब 3 अंक हो गए तो इसके बाद में हम लगाएंगे जीरो और यहां पर लगा देंगे दशमलव, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना ये चीज। चलिए अब इसको भी हटा देते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा ध्यान से, 40% का भिन्न रूप हमें बताना है, यानी जो 40% है इसको हमें भिन्न के रूप में लिखना है कि क्या होगा, ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले आप लिखेंगे 40 गुणा परसेंट के लिए लिखेंगे 1/100, बस इसको हल कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, क्या बचा हमारा, 4 बचा ऊपर और बटे में बचा हमारा 10, 2 से काट दो, 2 × 4 2 × 5 10, कितना आ गया 2/5, और यही हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है, मतलब 40% का भिन्न रूप क्या आ गया है, 2/5 आ गया, ठीक है, समझ में आया।
चलिए इसको भी हटा देते हैं। अब देखिएगा हमसे बोल रहा है कि 4/5 का प्रतिशत रूप, यानी हमें बताना है अभी हमने क्या किया था, परसेंट से भिन्न बनाया था, भिन्न से परसेंट बनाना है। तो ये हो गया हमारा 4/5 का परसेंट रूप, तो परसेंट रूप हमें बनाना है, तो ये हो गया 4/5 और इसमें आप 100 का गुणा कर दो, बस आ जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा 400, ठीक है, 4 का और 100 का गुणा हो जाएगा 400 और बटे में कितना है 5। अब 5 से भाग लगा दो, 5 एकम 5, 5 8 40 और 0 कितना आ गया 80, और यही जो है 80% हमारा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो परसेंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अब है हमारा दशमलव, यानी अब हम सीखेंगे दशमलव का जोड़ घटाना गुणा और भाग। ठीक, चलिए तो सबसे पहले दशमलव का जोड़ सीखते हैं। तो सबसे पहला क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा, पहली संख्या को आपको सबसे पहले लिखना है, ये वाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.61, ठीक है, ये हो गया पॉइंट। अब दूसरी संख्या को लिखने से पहले आपको क्या करना है, दशमलव को लिख लेना है दशमलव के नीचे। अब दशमलव के इस साइड जो अंक है उनको इस साइड लिखेंगे, यानी 09, ठीक है। इस साइड क्या है 20 है, तो ये हमने लिख लिया 20। अब इनको जोड़ दो, ठीक है। तो सबसे पहले दशमलव के नीचे आ जाएगी दशमलव। अब यहां पर देखो, एक में से 9 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे, 2 बचेंगे, ठीक है। अब यहां से एक उधार लिया था, यहां पर बचे 5, 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा, ठीक। अब इसके बाद में देखिए, एक में से 0 जाएगा 1 ही, 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, यानी हमारा आंसर आ गया है 11.52, ठीक। इसके बाद में हमारा दूसरा है, अब हम घटाएंगे तो ये है हमारा 20.45। अब इसमें से घटाना है 16.67 को, तो सबसे पहले लिखेंगे दशमलव, इस साइड क्या है 6, 7 है, इस साइड क्या है 16 है, तो हमने लिखा 16। अब इसको घटा लीजिए, तो देखिए 5 में से 7 तो जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे, यहां पर हो जाएगा 15, 15 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 8। अब यहां पर बचे हमारे 3, क्योंकि एक उधार ले लिया, तो 3 में से 6 नहीं जाएगा, तो अब हम क्या करेंगे, यहां से उधार लेंगे, तो यहां से हम उधार लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा 13, 13 में से 6 जाएंगे तो 7 बचेंगे। अब यहां पर आ गई हमारी दशमलव, ठीक। अब यहां पर तो 0 था, तो हमने यहां से एक उधार लिया यहां पर, ठीक है, तो यहां पर हो गए 10, 10 में से एक उधार लिया तो यहां पर कितने बचे थे 9, तो अब 9 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9 में से 6 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 3। अब यहां से एक उधार लिया था तो यहां पर क्या बचा, एक, एक में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी हमारा आंसर आ जाएगा 3.78, ठीक, समझ में आया। चलिए अब हम गुणा कर लेते हैं, यहां पर है हमारा गुणा का सवाल 1.69 × 2.3, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल हम गुणा करते हैं सेम वैसे ही हमको गुणा करना है, तो चलिए 3 से करते हैं। सबसे पहले 3 × 9 = 27 की 7 आ जाएगी, हाथ से लगाएगा 2, 3 × 6 = 18 और 2 कितने हो जाएंगे 20, ठीक है, तो 20 की आ जाएगी 0, हासिल फिर से 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद में 3 एकम 3 और 2 5, तो ये हो गया हमारा 507। अब एक अंक का कंप्लीट हो गया तो यहां पर एक क्रॉस लगा देंगे। अब 2 से करेंगे, 2 × 9 = 18 की 8, हासिल आ जाएगा 1, ठीक है, 2 × 6 = 12 और 1 = 13, 13 की 3 हासिल फिर से 1 आ जाएगा और 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया हमारा 3, ठीक। चलिए अब इनको जोड़िए, ये हो गया 7, यहाँ पर कितना है भाई 0 और 8 तो 8 ही रहेगा, 5 और 3 हो जाएंगे 8 और ये 3 का 3, ठीक है। अच्छा, अब दशमलव कितने अंकों के बाद आएगी ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है यानी 1, यहाँ पर कितने अंक के बाद है 2 अंक के बाद यानी 2, इन दोनों को जोड़ दो, 2 रे कितना होता है 3, तो 3 अंकों के बाद दशमलव हमें लगाना है, 1, 2, 3, तो दशमलव आएगी यहाँ पर और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो अब हमारा है भाग का सवाल, तो अब हम भाग भी सीख लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 2.7, इसमें हमें भाग लगाना है 0.3 से, ठीक। तो जब भी आपको इस तरह का भाग करना हो तो आपको क्या करना है, बटे में इनको लिख लेना है, ठीक है। जैसे कि हो जाएगा हमारा 2.7 बटे यहां पर हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब देखिए दशमलव यहां पर भी 1 अंक के बाद है और यहां पर भी 1 अंक के बाद है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पर आ जाएगा हमारा 27/3। अब 3 से 27 में भाग लगा दो तो 3 एकम 3 और 3 × 9 = 27, तो कितना आ गया 9, और यही जो 9 है यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी दशमलव संख्याओं को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों मैंने आपको जो बेसिक गणित समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।